वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मेरा नाम सैयद अली जामिन है और जो वीडियो लेक्चर की ये जो सीरीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बेसिकली ये वाली बुक है, ये वाली बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस बुक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एसेंशियल सेकेंड एडिशन है। इसको हम चैप्टर वाइज इसकी वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी आ रहा होगा ऊपर, आप उस पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो वीडियो सीरीज़ है इसके सारे लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई अपडेट हो, कोई नोटिफिकेशन हो, वो मैं सारी इस पे पोस्ट करता रहता हूँ फेसबुक पेज पे। आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, आज जो चैप्टर 3 है और इसका जो हमारा पार्ट 2 है लेक्चर का, इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस क्या होते हैं, आईपीसी यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल देख लेंगे और क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अगेन वही है जो आपको मैंने पीछे बता दिए हैं लास्ट स्लाइड में, कि हमने क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट और सर्वर को देखना है। इसके अलावा हमने आईपीसी देखना है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस तरह होती है, जिसमें शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, मैसेज पासिंग क्या होती है, प्रोसेस की क्रिएशन, टर्मिनेशन, एग्जीक्यूशन, ये क्या चीज़ें होती हैं और इनकी कम्युनिकेशन क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑपरेशंस, सबसे पहले प्रोसेस के हम ऑपरेशंस देख लेते हैं। प्रोसेसेस के, प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, उसको टर्मिनेट किया जाता है। एक प्रोसेस जो होता है, बेसिकली एक प्रोसेस जो होता है उसके डिफरेंट चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो अपने साथ मल्टीपल प्रोसेसेस और भी क्रिएट कर देता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकते हैं, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो एक पेरेंट प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस, ठीक है, उसके आगे चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, ये वाले चाइल्ड प्रोसेस हो गए। अच्छा, वो इन टर्न आगे भी फर्दर चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो एक ट्री बन जाता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं लॉगिन वाली, कि आपने फॉर इंस्टेंस कोई सिस्टम से लॉगिन किया, तो जैसे ही आपने लॉगिन किया, लॉगिन आपका था पेरेंट प्रोसेस, लेकिन लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे आगे ऑपरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं परफॉर्म, तो बहुत सारे और प्रोसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस आप नाम इंटर करें, आप फ्लान डाटा इंटर कर दें, इस तरह के फर्दर आगे प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो गेम पे सिर्फ क्लिक करते हैं तो वो इतने सारे फाइल्स ओपन कर देती है, इतनी लाइब्रेरीज ओपन कर देती है। तो उसका यही मतलब होता है कि एक प्रोसेस आपने बेसिकली स्टार्ट किया होता है, लेकिन उसके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यह होता है कि हर प्रोसेस की कोई ना कोई आईडी होती है, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जिस तरह स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, तो हर प्रोसेस की भी कोई ना कोई आईडी होती है। इस प्रोसेस की अपनी आईडी है, इस चाइल्ड प्रोसेस की अपनी आईडी है, हर एक प्रोसेस की अपनी अपनी एक आईडी होती है, एक आइडेंटिफायर होता है उसका। तो रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन जो होती हैं वो भी इसमें होती हैं, जिसमें ये होता है कि पेरेंट एंड चाइल्ड जो है वो एक ही रिसोर्स शेयर करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये रैम पे एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, मेन प्रोसेस, ठीक है, इसके अंदर इसके चाइल्ड और सारा कुछ ग्रैंड चाइल्ड वगैरह पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो इस रैम के ऊपर ये प्रोसेस पड़े हुए हैं, ये एक ही रिसोर्स को, कोई भी इनपुट आउटपुट रिसोर्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि चाइल्ड के अलहदा से रिसोर्सेज शेयर कर रहा हो, पेरेंट अलहदा से रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा हो, यानी आपस में शेयर ना कर रहे हो, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूशन की ऑप्शन भी होती हैं कि पेरेंट एंड चाइल्ड जो है वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी इकट्ठे ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या ऐसे भी होता है कि पेरेंट जो है पहले वेट करता है
कि ये जो चाइल्ड है ना मेरा, वो पहले टर्मिनेट हो जाए, पहले उसके काम हो जाए, फिर बाद में मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी पेरेंट चाइल्ड कंकरेंटली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेपरेटली भी पेरेंट वेट कर सकता है कि पहले चाइल्ड टर्मिनेट हो जाए, पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाए, फिर बाद में मैं पेरेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने दो चीज़ें मेन इसमें देख ली हैं। आपको ये तो पता चल गया ना, पेरेंट एक प्रोसेस होता है, पेरेंट और उसके आगे फर्दर चाइल्ड भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपको बताई लॉगिन वाली, आपको एग्जाम्पल बता दूं कि आपने सिस्टम का पावर का बटन प्रेस कर दिया, आपने तो एक प्रोसेस स्टार्ट किया है पावर का बटन प्रेस करने का, उससे आगे फर्दर इतने प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वो फाइल चेक करना शुरू कर देता है, कब हार्डवेयर को चेक करना शुरू कर देता है, फिर डिफरेंट फाइल्स, जैसे ही आप का सिस्टम चल पड़ता है तो बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी प्रोसेस आप एक स्टार्ट करते हैं, फिर उसके आगे चाइल्ड प्रोसेस मल्टीपल हो जाते हैं। फिर इसमें हमने मेन चीज़ें दो देखी स्लाइड में, एक रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन भी होती है, एग्जीक्यूशन ऑप्शन भी होती है। रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन ये होती है कि पेरेंट और चाइल्ड जो है वो एक ही रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, वो रिसोर्स मेमोरी भी हो सकती है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो कोई हार्डवेयर हो सकती है, कुछ कोई भी रिसोर्स हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि पेरेंट और चाइल्ड आपस में कोई रिसोर्स शेयर कर ही ना रहे हो। इसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूशन की मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, यानी पेरेंट एंड चाइल्ड जो है वो कंकरेंटली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके अलावा वेट भी कर सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए, यानी पेरेंट वेट कर सकता है कि चाइल्ड पहले टर्मिनेट हो जाए, पहले वो एग्जीक्यूट कर ले। ये वही डायग्राम है जो अभी मैं आपको समझा रहा था। ये वही डायग्राम है जो मैं आपको समझा रहा था। ये देखिए, इनिशियलाइज का ये पेरेंट चाइल्ड है, जिसका पेरेंट आईडी है 1। इसका इसी तरह कोई लॉगिन का कोई वो बन गया प्रोसेस, इसका कोई के थ्रेड का कोई प्रोसेस बन गया, SSHD का कोई प्रोसेस बन गया, ये चाइल्ड प्रोसेस है। अब लॉगिन के प्रोसेस ने अपना एक नया चाइल्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसे बैश कहते हैं, ये कोई उसका अपना आईडी है। इसी तरह बैश के अपने दो चाइल्ड प्रोसेस हैं। तो ये एक डायग्राम है ट्री के प्रोसेसेस, किस तरह एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो किस तरह ट्री डायग्राम बन जाती है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोसेस क्रिएशन की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि फोर्क डिफरेंट इंस्ट आपको सिस्टम कॉल्स बताई थी, जिसमें से एक सिस्टम कॉल थी फोर्क। फोर्क से आपको बताया था कि प्रोसेस क्रिएट होता है, तो जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो एक पेरेंट क्रिएट हो गया, पेरेंट का एक उसका चाइल्ड क्रिएट हो गया। तो अब देखें, पेरेंट जो है ना यहाँ वेट कर रहा है कि सबसे पहले जो है ना मेरा चाइल्ड, वो चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट कर जाए। जैसे ही चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ एग्जीक्यूट करने के बाद चाइल्ड एग्जिट कर देगा। ठीक है, जैसे यानी ख़त्म हो जाएगा, चाइल्ड ने अपना काम टास्क कंप्लीट कर लिया। अब पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है और दोबारा वो रिज्यूम कर रहा है, पेरेंट अब बाद में टर्मिनेट होगा। तो फोर्क जो है वो एक सिस्टम कॉल है जो नया प्रोसेस क्रिएट करती है, एग्जीक्यूट या EXEC, ये जो एक सिस्टम कॉल है जो फोर्क के बाद होती है, ताकि प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए। और इसी तरह एग्जिट की सिस्टम कॉल है, ये प्रोसेस को ख़त्म कर देती है। वेट की सिस्टम कॉल है जो वेट कर रही होती है किसी चीज़ का, किसी दूसरे प्रोसेस का, किसी भी रिसोर्स का। तो ये इसका जो पीछे डायग्राम है उसका कोड लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके समझने के लिए। प्रोसेस टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मेन दो सिस्टम कॉल्स होती हैं, एक अबॉर्ट होती है और एक एग्जिट होती है। ठीक है, एग्जिट ये होती है कि किसी प्रोसेस ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है तो वो फिर एग्जिट की कॉल देता है कि जी मैं एग्जिट करने लगा हूँ। ठीक है, अबॉर्ट की जो सिस्टम कॉल होती है वो ये होती है कि पेरेंट खुद ही टर्मिनेट कर दे अपने चिल्ड्रन को। ठीक है, यानी ये पेरेंट था, इसके ये चिल्ड्रन है, तो पेरेंट कहे कि मैंने ना इनको ख़त्म कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, तो वो ये वाला पेरेंट जो है ये अबॉर्ट की सिस्टम कॉल जो है वो करेगा। ठीक है, अबॉर्ट की सिस्टम कॉल ये वाला पेरेंट करेगा। तो ये डिफरेंस है दो प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, ये दो मेनली सिस्टम कॉल यूज़ होती हैं। तो बाकी डिटेल्स बाकी डिटेल जो है ना वो
आप पढ़ सकते हैं, मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस की टर्मिनेशन जो है उसको देख लेते हैं कि प्रोसेस की टर्मिनेशन में जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें एक टर्मिनेशन होती है जिसको कैस्केडिंग टर्मिनेशन कहते हैं। कैस्केडिंग टर्मिनेशन ये होता है कि जब एक प्रोसेस अपने सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दे, यानी ऑल चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन एट्सेट्रा आर टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट हो जाए, वो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम करे, चाहे यूज़र कर दे, चाहे पेरेंट कर दे, यानी सारे एक प्रोसेस के सारे, जब सारे के सारे चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए ना, तो उसको कहते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। अच्छा जी, तो वैसे नॉर्मली ये होता है कि जो प्रोसेस है ना, सॉरी पेरेंट है, वो वेट कर रहा होता है अपने चाइल्ड का कि जी मेरा चाइल्ड जो है ना वो जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, फिर एग्जिट हो जाए, तब तक मैं नहीं रन करूँगा, ठीक है। यानी एक कोई मेन आपका काम है, मेन काम आपका डिपेंडेंट है बाकी डिफरेंट कामों पे, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैं, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ इन बाकी कामों पे, तो जब तक वो नहीं होंगे तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो बेसिकली जो पेरेंट होता है ना वो वेट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें दो बड़ी मज़े की टर्म्स हैं, एक जोम्बी है एक ऑर्फन है। जोम्बी जो होती है उसमें ये होता है कि अगर किसी चाइल्ड का कोई पेरेंट वेट ही ना कर रहा हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जोम्बी प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक पेरेंट जो है उसने वो टर्मिनेट हो गया है बजाय इसके कि वो वेट करता, ठीक है, यानी वेट किए बगैर ही पेरेंट कहता मैं खुद ही टर्मिनेट हो रहा हूँ, मैंने खुद ही एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जाना है, चाइल्ड एग्जीक्यूट किया है, चाइल्ड का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो जो फिर पीछे चाइल्ड बच जाता है उसको ऑर्फन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर जो होता है वो क्रोम ब्राउज़र पे किस तरह होता है, आपने ये, आपके सामने क्रोम ब्राउज़र की डायग्राम है, इसमें देखेंगे डिफरेंट टैब्स ओपन है, ठीक है, हर टैब एक ने एक नया नया प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है, ये देखें लिखा भी हुआ है कि इसको भी आप प्रोसेस कह सकते हैं कि आप जो जितनी भी टैब्स ओपन करते हैं आप नए नए प्रोसेस ओपन कर देते हैं। अब हर टैब में अगर आप कोई आगे कोई फॉर्म फिल करना शुरू कर दें, हर टैब में किसी में वीडियो लगा दें, किसी में गेम लगा दें, तो हर एक प्रोसेस ने और से ही फर्दर थ्रेड और फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर दिए होते हैं, तो इसको मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने ब्राउज़र पे प्लगइन भी लगाए हुए हैं तो फर्दर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम प्रोसेस के बात कर रहे हैं, प्रोसेस की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है। अभी देखें हमने पीछे टैब की अभी एग्जांपल ली है, तो अगर हमने दो टैब्स ओपन किए हैं तो यानी दो प्रोसेस चल रहे हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप फेसबुक के दो टैब्स भी चला सकते हैं, यानी मल्टीपल टैब्स चला सकते हैं, फेसबुक की एक टैब यूज़ कर रहे हैं उसी का ही डाटा शेयर हो जाता है दूसरी टैब के साथ, आपको हर टैब के लिए अलग से पासवर्ड वगैरह लॉगिन नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर आप एक दफ़ा लॉगिन हो गए हैं तो वो लॉगिन पासवर्ड उसका सेव हो जाता है और आप जितनी मर्जी टैब्स ओपन कर लें सब में फेसबुक चल रही होती है। तो ये एक मैंने वैसे ही एग्जांपल दिया आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, कि अगर दो तीन डिफरेंट बेसिकली तो ये एक ही प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि अब डिफरेंट टैब्स ओपन हो गई हैं, हर टैब पे डिफरेंट प्रोसेस है, तो इसकी एक जस्ट सिंपल सी एग्जांपल है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और एक होता है कोऑपरेटिंग। इंडिपेंडेंट होता है जिसमें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो मसला होता है हमारा वो होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का। कोऑपरेटिंग प्रोसेस ये होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, वो आप कोऑपरेट दो मेथड से कर रहे होते हैं, एक मेथड होता है शेयर्ड मेमोरी वाला, एक मेथड होता है मैसेज पासिंग वाला, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो शेयर्ड मेमोरी से भी हो सकती है, वो मैसेज पासिंग से भी हो सकती है, दो मेथड हैं, इनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन क्यों किया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, कंप्यूटेशन को स्पीड अप करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया जाता है।
अच्छा, ये डायग्राम है मैसेज पासिंग की और शेयर्ड मेमोरी की, ये वाली है। मैसेज पासिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है। प्रोसेस बी जो है वो एक मैसेज क्यूब बना हुआ है, उसमें अपना मैसेज पास करेगा। प्रोसेस ए भी इसमें ही मैसेज पास करेगा, तो ये आपस में मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि प्रोसेस ए और बी दोनों एक सेम मेमोरी को शेयर, एक ही मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाली शेयर्ड मेमोरी है, यानी प्रोसेस ए और प्रोसेस बी मेमोरी को, एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। ये अगर ये वर्ड फाइल एक खोली हुई है आपने, ये एक और वर्ड फाइल खोली हुई है, अगर ये एक ही इस डाटा को चेंज कर रहे हैं, एक ही मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, एक जिसको चेंज कर रहे हैं, तो ये यानी शेयर कर रहे हैं एक मेमोरी को, ठीक है। यानी दो डिफरेंट वर्ड की फाइल एक ही अगर मेमोरी यूज़ कर रही हैं, उसी को एडिट कर रही हैं, किसी एक वैल्यू को एडिट कर सकती हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो ये एक शेयर्ड मेमोरी की एग्जाम्पल है। अच्छा, कोई इंडिपेंडेंट जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे की एग्जीक्यूशन से, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं होते। हर एक कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, कोई दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, वो मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि कंप्यूटेशन जो है वो स्पीडअप हो जाता है। वो कैसे होता है कि अगर एक प्रोसेस ने एक काम कर दिया हुआ है, यानी अगर दो लोग आपस में, आसान अल्फाज में, अगर दो लोग आपस में काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका काम ज़रा जल्दी हो जाता है। और अगर हर कोई इंडिपेंडेंट कर रहा है तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में अगर हम शेयर्ड मेमोरी में देखें, ये वाली डायग्राम में शेयर्ड मेमोरी, तो ये क्या होता है कि एक एरिया ऑफ मेमोरी जो है वो दो प्रोसेस ने आपस में शेयर किया होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया। इसी तरह मैसेज पासिंग में देख लें, मैसेज पासिंग की ये डायग्राम है, इसमें दो प्रोसेस आपस को एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। जिस तरह हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, इसी तरह प्रोसेसेस भी एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। एक मैसेज सेंड करता है, दूसरा मैसेज रिसीव करता है। ये उनकी कॉल्स हैं, सेंड की और मैसेज की, रिसीव मैसेज की, ठीक है। मैसेज का साइज़ जो है वो फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यानी आपने फिक्स कर दिया कि 1 KB, 1 बाइट का, या 2 बाइट का, या कितने भी बाइट्स का फिक्स कर दिया कि इतने बाइट्स का ही मैसेज होगा। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैसेज पासिंग जो है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी होते हैं, वो इश्यूज देख लेते हैं अभी, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जब भी मैसेज पासिंग करनी होती है तो उसका ये मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बी है, इन दोनों के दरमियान आपने कोई लिंक क्रिएट करना है जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाए। तो आपने जो लिंक करना है वो एक हमारा इशू होता है कि ये लिंक किस तरह एस्टेब्लिश करना है। फिर हमारा ये इशू होता है कि इन दोनों प्रोसेस को किस तरह एसोसिएट, लिंक को एसोसिएट किस तरह करना है। फिर कितने लिंक बनाने हैं हमने हर कम्युनिकेट प्रोसेस के लिए। ये एक प्रोसेस के साथ तो कर रहा है, हो सकता है ये किसी और प्रोसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा हो। फिर उसका साइज मैसेज का कितना रखना है, क्या जो लिंक है वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है कि मतलब प्रोसेस 1 ही प्रोसेस बी को मैसेज भेज रहा है, बाई डायरेक्शनल होता है कि प्रोसेस ए भी इसको भेज रहा है और ये भी इसको भेज रहा है। तो ये यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ये भी देखना पड़ता है। ये थोड़े से इश्यूज होते हैं। तो मैसेज पासिंग की जो अभी हम बात कर रहे थे, वो दो तरह की उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक फिजिकल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। लॉजिकल में सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस वाली बातें हैं, ये डिटेल में चैप्टर 5 में डिस्कस किया हुआ है। और फिजिकल में वही शेयर्ड मेमोरी होगी, कोई हार्डवेयर की बस होगी। जिस तरह आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा हो तो ये दो हमारे सिस्टम होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कर लें, ये सिस्टम होते हैं, ये यानी कंप्यूटर है। अगर तो ये एक बस गुजर रही होती है, ये सारे इस बस के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इस बस को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज कम्युनिकेशन के लिए वो मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं, ये अगर एक मेमोरी है तो इसको भी शेयर कर सकते हैं, किसी नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो मैसेज पासिंग इस तरह हो सकती है। इसके अलावा फिर फर्दर आगे डिटेल में देखें तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये होती है कि दो प्रोसेस के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना, यानी दोनों के दरमियान एक ऐसा लिंक, डायरेक्ट लिंक बन जाना जिससे वो आपस में कम्युनिकेशन करें। उसकी इंस्ट्रक्शन या सिस्टम कॉल्स या फंक्शन कॉल किस तरह होती है कि एक सेंड का मैसेज होता है, इधर पी होता है, पी बता रहा होता है कि जो मैसेज है ना वो पी को भेजना है, पी को ये और प्रोसेस है और मैसेज मेरा ये है। और रिसीव कहता है कि जो मैसेज जो है ना फ्रॉम क्यू, क्यू ने जो मुझे भेजा हुआ है, यानी बेसिकली पी को ये मैसेज आया है और वो कह रहा है क्यू से जो मुझे मैसेज आया है वो मैंने पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसमें डायरेक्ट लिंक उनके आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है और वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन, सेंड और रिसीव वाले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ये होती है कि वो इस तरह आपस में लिंक नहीं एस्टेब्लिश होता बल्कि वो एक मेल बॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं। मेल बॉक्स ऐसे है कि आप ने लाहौर में बैठे हुए हैं, कोई कराची में बैठा हुआ है, आपने एक दूसरे को कोई खत वगैरह भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, आप TCS ऑफिस जाते हैं, TCS ऑफिस वाला आपका पैगाम किसी और TCS कराची वाले TCS ऑफिस भेजते हैं, वो आप कराची में भेज देते हैं। ठीक है ना, ये लाहौर है और ये कराची है, तो ये बेसिकली मेल बॉक्स शेयर कर रहे हैं, ये दो मेल बॉक्स है। अगर मैं कहूँ कि एक ही मेल बॉक्स है, ये प्रोसेस, ये एक प्रोस ये मेल बॉक्स है, ये प्रोसेस है और ये भी एक प्रोसेस है, ये वाले प्रोसेस हैं और ये मेल बॉक्स है, तो ये इस मेल बॉक्स में डाटा भेजेगा, मेल बॉक्स से डाटा इधर जाएगा। सॉरी, तो इस तरह मेल बॉक्स से डाटा इधर जाएगा, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। बड़े आसान सी ये बातें हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्टली कोई लिंक बनाओ, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंक ना बनाओ बल्कि बीच में कोई मेल बॉक्स आ जाए। ठीक है, तो ये देख लें कि इसकी इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि सेंड कहता है कि ए कोई मेल बॉक्स का नाम है और मैसेज भेजना है ये वाला, रिसीवर कहता है कि जी मेल बॉक्स ए में जो मैसेज पड़ा हुआ है ना वो मुझे उठा के दे दो। अब इसमें इशू क्या आता है, इशू ये आता है कि ये तीन प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस 1, 2, 3 ये शेयर कर रहे हैं एक अकेली मेल बॉक्स। ठीक है, ये एक मेल बॉक्स है, इसको तीन प्रोसेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोसेस ये वाला प्रोसेस मैसेज भेजता है और ये दोनों करते हैं रिसीव। ठीक है, अब ये नहीं पता कि मैसेज किसने रिसीव करना है, दोनों ही रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी P1 मैसेज सेंड करता है, P2 और P3 रिसीव करता है, तो किसने मैसेज रिसीव करना है ये इशू आता है। फिर इसका आगे सोल्यूशन भी लगाए होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में सोल्यूशन भी होते हैं, सोल्यूशन भी होते हैं कि ब्लॉकिंग लगा देना कि प्रोसेस फॉर एग्जांपल P3 मैसेज नहीं अभी रिसीव कर सकता, P2 अभी रिसीव नहीं कर सकता, P1, इस तरह ब्लॉकिंग के डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपको आइडिया दे दिया कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किस तरह होती है। इसमें फिर आगे सिंक्रोनाइजेशन आती है, सिंक्रोनाइजेशन होती है ब्लॉक कर देना, ब्लॉक क्या करना, सेंड को ब्लॉक कर देना कि सेंडर जो है ना तब तक मैसेज ना भेजे जब तक जो उसने पहले मैसेज भेजा था ना वो रिसीव नहीं हो गया, ये एक ब्लॉकिंग लगी है ना, यानी आप तब तक मैसेज नहीं भेज सकते जब तक जो पहले वाला मैसेज था वो आपने अगले बंदे ने नहीं पढ़ा। आसान एग्जांपल ये है कि मैं तब तक जो है आपको लेक्चर शेयर ना करूं, ये वीडियो अपलोड ना करूं जब तक आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ लिया, आपको तब तक जो है वो अगला मुझे नहीं मैसेज वीडियो लेक्चर अपलोड करना चाहिए, ये सेंडर की साइड है। ब्लॉकिंग की साइड ये है कि मैं कहूँ कि रिसीवर तब तक ब्लॉक है, आप तब तक यूट्यूब का ये नहीं देख सकते चैनल जब तक कोई लेक्चर अपलोड ना हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह प्रोसेस के दरमियान भी सिंक्रोनाइजेशन होती है, तो ये आप पे बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंट होती है कि आपके साथ होना तो ऐसे चाहिए कि जब तक आपने पिछला वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख लिया तब तक आपसे अगला वीडियो लेक्चर शेयर ना किया जाए। चलें, खैर, नॉन ब्लॉकिंग सेंड भी होता है और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव भी होता है, जिसको एसिंक्रोनस कहते हैं। सिंक्रोनस में मैंने बताया था ब्लॉकिंग होती है,
एसिंक्रोनस होता है, नॉन ब्लॉकिंग, जिसमें कोई हिसाब किताब ना हो, बस जब मर्जी मैसेज भेजें, जब मर्जी रिसीव करें, कोई रिसीव करे, इस तरह के इश्यूज। तो ये एक कोड दिया हुआ है, इसको आप देख लेना समझने के लिए। फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आती हैं लोकल प्रोसीजर्स कॉल, ठीक है। उसकी मैं आपको ये समझाता हूँ किस तरह होती है। ये एक क्लाइंट है, ये एक सर्वर है। क्लाइंट जो है वो पहले रिक्वेस्ट भेजता है कनेक्शन की, कनेक्शन पोर्ट की, ये इसको हैंडल करके सर्वर को देता है। अब इन दोनों के दरमियान लिंक एस्टेब्लिश हो गया है। लिंक कौन इनको हैंडल करता है? क्लाइंट का कम्युनिकेशन पोर्ट और सर्वर की भी कम्युनिकेशन पोर्ट। ये सर्वर को हैंडल कर रही है, ये क्लाइंट को हैंडल कर रही है। जब ये भी हैंडल होगी, पोर्ट्स भी हैंडल हो गई, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो डाटा शेयर होना शुरू हो जाता है। ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट यानी लेस देन, ये जो है ग्रेट लेस देन 256 बाइट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसको बोलते हैं लोकल प्रोसीजर्स कॉल, विंडोज़ में इस तरह होती हैं। और ये हमेशा, ये वाली जो आपको एग्जांपल दी है, ये एक ही सिस्टम के अंदर हो सकती हैं, दो डिफरेंट सिस्टम के दरमियान में लोकल प्रोसीजर्स कॉल नहीं होती, इसीलिए इसका नाम है लोकल, ठीक है। लोकल का मतलब है कि दो सिस्टम के दरमियान ही जो है वो प्रोसीजर कॉल होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया कि सॉकेट्स क्या होते हैं। सॉकेट होते हैं एंड पॉइंट ऑफ अ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट। हम कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जिस तरह हम लैन केबल, लैन जो है वो लगाया करते थे लैपटॉप को कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। वो जिस पोर्ट पे हम लगाते थे वो हमारा सॉकेट होता था, ठीक है। लैन केबल जो होती थी उसको जब हम लगाते थे अपने लैपटॉप में, सीपीयू में, तो जो पोर्ट होती थी उसको आप सॉकेट समझ लें। इसी तरह एक और लैन केबल लगी होगी सर्वर के साथ। अगर दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दें, दो कंप्यूटर्स को लैन केबल के थ्रू, तो दोनों की आपस में पोर्ट कनेक्ट होंगी लैन केबल के थ्रू, तो ये दोनों की पोर्ट को सॉकेट्स कह सकते हैं। हर सॉकेट का या हर पोर्ट का कोई ना कोई नंबर होता है। वो नंबर कैसे होता है कि आईपी एड्रेस के सामने जो अगला नंबर होता है उसको पोर्ट नंबर कहते हैं। यानी जिस तरह ये 16, ये वाले आईपी एड्रेस है यहाँ तक, ठीक है। आगे उसका क्या लिखा हुआ है? पोर्ट नंबर, पोर्ट लिखी हुई है होस्ट की, इसी तरह पोर्ट लिखी हुई है। ये बड़ी देख ले सॉकेट कम्युनिकेशन में क्या है कि ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ये होस्ट का पोर्ट नंबर है 1625। इसी तरह ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है सर्वर का और ये उसकी पोर्ट है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप वेब सर्वर पे जब भी कोई वेबसाइट अगर ओपन करे तो वो आ जाता है कि फलां आपकी पोर्ट ये वाली नहीं चल रही, या दूसरे की नहीं चल रही, सर्वर की नहीं चल रही पोर्ट, वो कनेक्ट नहीं हो रही। तो जब आप नेटवर्किंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको नॉर्मली फेस करना पड़ती हैं। तो जी, ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाजमी आप कंप्लीटली देखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।